तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये यो5 प्रोग्रामर के ऊपर होने वाला है। कि जैसे आज आप लोग दोस्तों जो वीडियो के माध्यम से जो हम सीखने वाले हैं यो5 बॉक्स के बारे में सीखने वाले हैं कि यो5 बॉक्स को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, कैसे इसको गूगल से डाउनलोड किया जाएगा, कैसे इसके सेटअप को इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या हमारे स्क्रीन के अंदर फीचर खुलने वाले हैं और काम कैसे करने वाला है उसका तरीका आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक फोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आईफोन, टैबलेट्स या जितने भी कैटेगरी के मोबाइल फोन आते हैं या उसमें सिम डलता है, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है, पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे आते हैं सब लोग सीख करके जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर और सीखते हैं कि आज कैसे हम लोग यो5 को इंस्टॉल करेंगे, यो5 कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका पूरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं ये जो टॉपिक जो लेकर के आया हूँ ये सारा एमएमसी के ऊपर पूरा टॉपिक लेकर के आया हूँ। एमएमसी के ऊपर मैं आपको 18 से 20 वीडियो देने वाला हूँ और ऐसा वीडियो देने वाला हूँ कि आप कोई भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन को आसानी के साथ में आप रिपेयर कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम कोई दिक्कत आएगी तो आपके लिए बहुत सारी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को अच्छे से देखें। इसमें तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर देखिए जो भी आपने पढ़ाया था वो मैंने सारा चीज मैंने कॉपी में नोट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब सब चीजें लिखते हो नोट करते हो, मुझे खुद वाकई में अच्छा लगता है कि मेरे साथ साथ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेरा सिखाने का फर्ज बनता है कि आप भी सीख रहे हो। और ऐसा लगता है कि आप सीख ही नहीं रहे हो, ऐसे ही काम चल रहा है तो फिर वीडियो आपने देख लिया और समझ लिया थोड़ा बहुत, बस काम खत्म। सर अगर आपको समझना है ना तो आप सारी चीज़ों को देखें, समझें, नोट करें। नोट करने के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करें, कोई भी समस्या है छोटा मोटा पूछना है तो आप पूछिए। और अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें, फिर तो नहीं काम चलने वाला है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि हम लोग यो5 को इंस्टॉल कैसे करेंगे। यो5 जो होता है उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसका इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, यो5 को आप कैसे यूज करेंगे। यो5 का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे लिखना पड़ेगा यो5 सेटअप। यो5 सेटअप लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मतलब सबसे पहली बात क्या किया, आपने गूगल खोला, गूगल से आपने यो5 सेटअप लिखा, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन में सेटअप आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन में सेटअप आ जाएगा। इस सेटअप को आप क्या करेंगे, ओपन करें। जब आप सेटअप को ओपन करेंगे तो ओपन करते समय ये जो होता है सेटअप अपने अंदर से तीन चीजों को इंस्टॉल करता है। क्या करता है दोस्तों, सबसे पहली चीज तो इंस्टॉल करता है यो5 का बॉक्स ड्राइवर। बॉक्स ड्राइवर अगर बोले तो मतलब अपना खुद का ड्राइवर इंस्टॉल करता है। कहता है भाई जब ये खुद ही नहीं चलेगा तो आपका काम कैसे होने वाला है। तो पहली बात तो क्या होता है, यो5 का बॉक्स ड्राइवर, ये अपने बॉक्स का ड्राइवर होता है, खुद अपना इंस्टॉल करता है, इसे बोलते हैं यो5 बॉक्स ड्राइवर। और जब तक ये नहीं कनेक्ट होगा सिस्टम से और ये लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होगा तब तक इसके आगे के फीचर कैसे खुलने वाले हैं, तो इस फीचर के लिए पहले यो5 अपना खुद का ड्राइवर इंस्टॉल करता है। जब खुद का ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा तो उसके बाद ये ऑल मोबाइल फोन ड्राइवर, ऑल मोबाइल फोन के ड्राइवर, जितने भी मोबाइल फोन के ड्राइवर होते हैं, क्वालिकॉम है, मीडियाटेक है, एसपीडी है, जितने भी सारे ड्राइवर्स आते हैं या और भी सारे ड्राइवर्स हैं या शाओमी के ड्राइवर हैं, ओप्पो के ड्राइवर हैं, इस तरीके से बहुत सारे ड्राइवर जो होता है ये क्या काम करता है, इंस्टॉल करता है। एक बार में कम से कम 15 से 20 ड्राइवर को क्या करता है, इंस्टॉल करता है। नोकिया ओकिया के सारे ड्राइवर को इंस्टॉल करता है। उसके बाद जब ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं तो फिर इंस्टॉल होता है टूल। सबसे पहले होता है
एमएमसी टूल, एमएमसी को आप कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे रीड राइट करेंगे, कैसे उसका डाटा रिकवर करेंगे, कैसे उसका लॉक तोड़ेंगे, ये सारी चीजें जो होती है एमएमसी के बारे में। उसके बाद दूसरा खुलता है यूएफएस टूल। यूएफएस के बाद फिर आपका अगला एमएमसी टूल होगा, एमएमसी के बाद यूएफएस टूल होगा, उसके बाद खुलेगा चिप टूल। एमएमसी टूल, यूएफएस टूल, चिप टूल, उसके बाद एंड्रॉयड टूल। तो यही टूल जो होते हैं जो काम करते हैं। तो जब आप इसको सेटअप को इंस्टॉल करेंगे तो सेटअप इंस्टॉल करते समय ये सारी चीजें आपके स्क्रीन में इंस्टॉल होकर के डेस्कटॉप में आ जाएंगी और फिर उनको एक एक करके यूज करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है इसका हम लोग समझेंगे। ये यूफाई को डाउनलोड करके ओपन करने का इंस्टॉल करने का मैंने आपको तरीका बताया, ठीक। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसको सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, डाउनलोड करने का तरीका क्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहली बात हम लोग खोलेंगे गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम, मोजिला, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे गूगल खोलेंगे तो आपकी स्क्रीन में गूगल खुल करके आ जाएगा। गूगल खुलने के बाद गूगल में आप जाकर के टाइप करेंगे स्टार्ट न्यू सेशन, यहां पर जाकर टाइप करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे यूएफआई सेटअप। क्या टाइप करेंगे, यूएफआई, यूएफआई सेटअप। जैसे यूएफआई सेटअप करके सर्च करेंगे तो वैसे आपके सामने खुल जाएगा रिपेयर माय मोबाइल फोन की वेबसाइट खुल जाएगी। आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे, जो इसमें सेटअप होता है ये आफ्टर डाउनलोड यूएफआई बॉक्स अपडेट करने के लिए ये, तो आप जो भी है आप इसमें से कोई भी एक को लेटेस्ट कर, लेटेस्ट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बता रहा 295 MB का ये सेटअप है। आप क्या करेंगे 295 MB सेटअप को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हमने जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया हमारे स्क्रीन पे डाउनलोडिंग चालू हो जाती है, कह रहा 3 मिनट का लगेगा, 2 मिनट का लगेगा, 2 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको अपने स्क्रीन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है, अभी तो फिलहाल हमने आपको डाउनलोडिंग करने का तरीका बताया है, अब इंस्टॉल कैसे किया जाएगा उसका तरीका भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोस्तों जितने भी सारे टूल आते हैं, जैसे आपका यूएफआई बॉक्स आता है, इस यूएफआई बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। ये यहाँ पर यूएसबी का दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिंटर केबल लगती है, 5 वोल्ट करंट है, एक इसके अंदर सिम कार्ड लगा होता है, इसके यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू, रेड रेड येलो ब्लू, 3 कलर की लाइटें जलती हैं और जिसमें से येलो और लाइट और ब्लू लाइट जलती है तो इसका मतलब कनेक्ट है, और रेड कलर का लाइट है तो मतलब वो ड्राइवर नहीं डिस्कनेक्ट है, ऐसा कुछ है, ठीक। ये तुम्हारा यूएसबी के लिए है, 5 वोल्ट सप्लाई के लिए है, सिम कार्ड इसके अंदर डाला होता है, सिम कार्ड डाला होने के बाद इसमें से लैन पोर्ट भी कनेक्ट हो जाएगा, लैन पोर्ट से आप कनेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये आपका कनेक्टर है। सर्विस, सर्विस कनेक्टर का मतलब होता है जहाँ से आपकी सर्विस मिलने वाली है, जहाँ से आपका काम होने वाला है वो दिया हुआ है। उसके बाद इस बॉक्स के साथ में ये आपका ऐसे एडेप्टर आते हैं, ये एडेप्टर क्या काम करता है, जो भी हमारी आईसी होती है उस आईसी को इसके अंदर लगाया जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी एमएमसी आईसी है, इस एमएमसी आईसी को इस डब्बे के अंदर आप ऐसे रख देंगे, ऐसे इसके अंदर छेद होते हैं, छेद आपस में फंस जाते हैं, उसके बाद ये ऐसे लग जाएगा, ये एमएमसी तुम्हारा काम करने के लिए रेडी है। उसके बाद फिर ये दूसरा एडेप्टर आता है, ये दूसरा एडेप्टर है, इसमें भी ऐसे ही 2 IC इसमें लगाने का ऑप्शन दिया होता है, 2 IC उसमें लगाने का होता है, 4 तरीके एमएमसी को आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है यूएफआई लाइट, क्या आता है दोस्तों यूएफआई लाइट, जैसे आप इसको चाहो तो आप बॉक्स के माध्यम से कनेक्ट करा सकते हो, नहीं तो चाहो तो इसको यूएफआई लाइट के माध्यम से भी आप ऐसे कनेक्ट करा सकते हो। ये तो कनेक्ट कराने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यूएसबी बन जाएगा, चिप लगी होती है जिससे फास्ट डाटा ट्रांसफर होता है।
उसके बाद एक हमारा एडेप्टर आता है जिसको हम लोग एडेप्टर को बोलते हैं टीएमएस एडेप्टर। क्या बोलते हैं? टीएमएस एडेप्टर। ये टीएमएस एडेप्टर के माध्यम से ही हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। अभी जो भी डाटा होता है उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं? रीड राइट करते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड हो जाने दीजिए। डाउनलोड होने के बाद फिर मैं आगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो हमारा ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो यो फाई का सॉफ्टवेयर ये देखिए डाउनलोड हो गया। इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉपी कट कर लिया, मिनिमाइज किया, मिनिमाइज किया। अब इसको स्क्रीन पे क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हमारा आ गया। अब इसको सबसे पहली बात आपको क्या करना है दोस्तों? एक्सट्रैक्ट हियर करना है। क्या करना है? एक्सट्रैक्ट हियर। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन में फोल्डर खुल करके आ जाएगा। ये देखिए अच्छा फोल्डर खुल गया। इस फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो आपकी स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा तो सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद ये हमारा सेटअप खुल जाएगा। इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हियर करते ही हमारे यो फाई बॉक्स का सेटअप खुल जाएगा। ये देखिए सेटअप खुलने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। यस जैसे इंस्टॉल करेंगे तो स्क्रीन में इंस्टॉलेशन हमारा चालू हो जाएगा। देखिए अब वो कह रहा है नो यू फाई डिटेक्टेड, मतलब यू फाई बॉक्स डिटेक्ट नहीं। अब इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, यू फाई बॉक्स डिटेक्ट नहीं है। आप केबल लीजिए, इस केबल को यहाँ पर लगाइए, ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद अब इसको क्या करना है? इस बॉक्स को तुमको सिस्टम से कनेक्ट करना है। ऐसे जैसे सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो इसमें देखो रेड ब्लू लाइट जलती है। रेड ब्लू लाइट जलने का मतलब ये है इसके अंदर ड्राइवर नहीं, लेकिन इसके अंदर ड्राइवर है, इसीलिए इसके अंदर लाइट नहीं जली। अगर ड्राइवर ना होता तो रेड ब्लू ऐसी लाइट जलती। इसमें बच्चे लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हो सकता है ड्राइवर पहले से इंस्टॉल हो। चलिए अगर ड्राइवर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लिक हियर पर क्लिक करिए। ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं, वेट, नेक्स्ट, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके फिनिश, आ गया यू फाई बॉक्स आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए खुल जाता है, यहाँ पर इंस्टॉल मैनेज डिवाइस। पहले आप क्लिक करेंगे तो यू फाई बॉक्स ड्राइवर, यू फाई डोंगल ये इंस्टॉल होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एडीबी फास्ट बूट मॉडल ड्राइवर, इंटेल का ड्राइवर, क्वालिकॉम का, मीडियाटेक, एसपीडी का, सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद वेंडर, वेंडर का मतलब होता है नोकिया, शाओमी, ओप्पो, इनके भी अपने ड्राइवर हैं, और ड्राइवर सिग्नेचर ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब आपने सब में टिक लगा दिया, अब आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन में इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर वन बाई स्टेप बाई स्टेप करके जितने भी सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे सॉफ्टवेयर एक एक करके इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपके स्क्रीन में सब आ जाएगा। नेक्स्ट करिए। यहाँ पर आप ध्यान ये भी देंगे कि ऐसे आँख मीच करके नेक्स्ट 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 नहीं करते रहना है। यहाँ पर कई जगह पर तुमको रिस्टार्ट करने का भी बोलता है। जहां पर रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है वहां पर स्किप कर लेना है, ध्यान रखना है। इंस्टॉल जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन आपके स्क्रीन में आ जाएगा। फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। ये आपकी स्क्रीन में इंस्टॉलेशन हो गया। नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। ओके इंस्टॉल। इंस्टॉल करेंगे।
फिनिश, ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल, ओके, यस, क्लोज, नेक्स्ट, ग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल, इट्स में टेक 2 से 3 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने में, प्लीज वेट। ओके, फिनिश, अब क्वालिकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट, 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 रिसेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉलेशन करेंगे अब क्वालिकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, मतलब जितने भी सारे ड्राइवर होते हैं सारे ड्राइवर वन बाय स्टेप करके सारे ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे, और आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन है वो इजीली आसानी के साथ में कोई भी मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट हो जाएगा। फिनिश, नेक्स्ट, इंस्टॉल, फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट, कम से कम 15 से 20 मिनट का लग जाता है यूएफआई को इंस्टॉल होने में प्रॉपर तरीके से। फिनिश, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब हमारा नोकिया का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लोज, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लोज, नेक्स्ट, फिनिश। ये ओप्पो का ड्राइवर होता है। ओप्पो रियल में जो भी मीडियाटेक सीपीयू को मोबाइल फोन आते हैं उनको कनेक्ट करने में मदद करता है। क्यू काम एमटीके ड्राइवर नाम से आता है। ये अभी ओ5 में दिया हुआ 1.4 वर्जन का दिया हुआ, लेकिन इसका 2.2 वर्जन तक आ चुका है, तो इससे भी है। जो इंस्टॉल हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा, अपना चाइनीज भाषा में लिख करके आता है। ये सारी वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए देता हूँ ट्रेनिंग के लिए, ताकि आप लोग सीख सकें अच्छे से। बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट, ये सारा देखो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मीडिया टेक सुपर,
एमएमसी जो फाइव बॉक्स लॉन्च फिनिश ओके, आपके स्क्रीन में बॉक्स इंस्टॉल हो गया। जब बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसा स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। जब आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, सॉफ्टवेयर खुलने के बाद आपकी स्क्रीन में ऐसा खुल के आ जाएगा, आप इसको बड़ा कर लेंगे, जो सॉफ्टवेयर खुल गया। अपडेट करने के लिए बोलेगा, आप अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पहला फंक्शन खुल गया था प्रोग्राम, यहाँ पर हम लोग आईसीओ को प्रोग्राम करते हैं, ये खुल गया था यूजर एरिया पार्ट। इस ऑप्शन में जाकर के हम लोग मोबाइल फ़ोन अनलॉकिंग करते हैं, डाटा रिकवरी करते हैं, या मोबाइल फ़ोन के ओएस को रीड करते हैं, डाटा को रीड करते हैं, या फैक्ट्री इमेज दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग मोबाइल फ़ोन में आईसीओ को फ्लैश करते हैं। हमारे पास यूएफआई से रिपेयर करने का मतलब एक ही काम होता है, मोबाइल फ़ोन को, डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना, आईसी का डाटा रिकवर करना, या अनलॉकिंग मोबाइल फोन में लॉक खोलना। बहुत ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जो ऑनलाइन अनलॉक होंगे या किसी टूल के माध्यम से नहीं होते, डाटा केबल का तरीका फेल हो जाता है, तो हम लोग आईसी को पकड़ के डायरेक्ट खाली कर देते हैं इसके माध्यम से। तो जब खाली हो जाएगा तो फिर आईसी खाली हो जाएगा, फोन खाली हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कहाँ पर स्टोर होता है दोस्तों? एमएमसी आईसी के अंदर। जब एमएमसी आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर स्टोर होता है तो उसी को खाली कर दो, सॉफ्टवेयर खाली। तो ऐसा, या फ्लैशिंग करना, या तो प्रोग्राम करना, ये सारे काम इसके माध्यम से आप बड़े आसानी के साथ में कर सकते हो, जिसके अंदर फीचर आपके दिए हुए, प्रोग्राम यूजर एरिया पार्ट फैक्ट्री इमेज, सारे कलर अलग अलग खोल करते हैं, प्रोग्राम रेड, यूजर एरिया पार्ट ग्रीन, और ये फैक्ट्री इमेज येलो, सपोर्ट का अलग कलर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में, आज दोस्तों मैंने आपको इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, खुल जाती हैं। अब देखिए, जैसे हम अपने बॉक्स को अपडेट करते रहते हैं, तो बॉक्स को अपडेट करने के बाद क्या रहता है कि इसमें से डाउनलोड सपोर्ट लिमिट ऑफ पॉलिसी 20 फाइल 10 जीबी का बैंडविड्थ। मतलब आप अगर देखेंगे तो एमएमसी के अंदर यहाँ पर सॉफ्टवेयर खुलते हैं, ये जितने भी तुम्हारे आसूस हैं, एसर है, जो भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, शाओमी है, तो आपने शाओमी को ओपन किया, तो शाओमी के अंदर जितनी भी सारी होती हैं बूट डंप फाइलें जो होती हैं इसके अंदर पड़ी होती हैं। जैसे जैसे अपडेट होता रहता है, तो अपडेट होने से क्या रहता है कि जो कंपनी है डंप फाइल और डंप फाइलों को इसके अंदर इंक्लूड कर देती है। अगर आप चाहो तो किसी भी एक डंप फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो इसके माध्यम से, जैसे MI6 फाइल को डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड फाइल, जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपके डाउनलोड हो रही है, ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो डाउनलोड होने के बाद यहां पर डिटेल आ जाएगी। जब डाउनलोड होने के बाद यहां पर डिटेल आ जाएगी, उस फाइल को आप ओपन करेंगे, ये इसके अंदर बूट फाइल होती है, बूट वन, बूट टू, exe, csd, यूजर एरिया डाटा, ये डंप फाइल, बूट बैकअप फाइल होती है। ये फाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। देखो डाउनलोडिंग एरर हो गया, एरर होने का मतलब क्या है, इसके सिस्टम पे फाइल नहीं मिल पा रही, नहीं डाउनलोड हो रही, या सर्वर काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी कुछ हो जाता है तब भी नहीं फाइल डाउनलोड हो पाती। इस फाइल को आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर ऐसा ये सारी जितनी भी सारी फाइलें होती हैं, डंप फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इसमें चले गए माइक्रोमैक्स में जाएंगे तो माइक्रोमैक्स का फाइल है, सैमसंग में जाएंगे तो सैमसंग का, देखो बहुत सारा डंप फाइल दिया हुआ है, और वीवो में जाएंगे तो वीवो का एक ही मॉडल का दिया हुआ है। तो आप इनको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, जितना इसने दे रखा है उतना आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसमें से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया। फिर से जब आप सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे, क्लोज करेंगे, यस पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद आपकी स्क्रीन में इसके फीचर्स आ जाते हैं। देखिए ये देखिए, यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स खुल गया ना, यूएफआई चिप प्रोग्राम खुल गया ना, एंड्रॉयड टूल खुल गया ना, ये जितने भी सारे सॉफ्टवेयर सेटअप्स होते हैं वो सब इसके अंदर खुल करके आ जाते हैं। आप एमएमसी टूल को ओपन करेंगे,
जैसे हम एमसी टूल ओपन करेंगे, ओके, ये आपके स्क्रीन में खुल करके आ जाएगा। इसके माध्यम से आप कोई भी मोबाइल फोन का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डाटा रिकवरी कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, सब कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम लोग यो फाई बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, यो फाई बॉक्स को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। इस तरीके से एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में मैंने आज आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताया। अब आगे चल करके मैं आपको इसके अंदर जितने सारे फीचर्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम है, यूजर एरिया पार्ट है, फैक्ट्री इमेज है, या जो भी सारे फीचर होते हैं, सारे फीचर के बारे में एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ताकि इन सब चीज़ों के आप वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ों को सीख सकें, इन चीज़ों को आप नोट भी करें, एक एक करके समझें। इसके अंदर के बहुत सारे कोर्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से कोई भी आईसी आती है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको अनलॉकिंग कर सकते हैं। या बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यो फाई ले रखा है लेकिन आज उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप उसको काफ़ी हद तक यूज करना मैं आपको सिखा दूंगा, और उनसे आप अच्छे से काम भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें और वीडियो को और भी वीडियो को देखें। आज अगर आप इस समय पर वीडियो, इसी वीडियो को आपने अगर देखा हुआ है, तो इससे संबंधित मैंने और भी पिछली वीडियो मैंने एक एक करके मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है। तो आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाइए, उन वीडियो को देखिए, वीडियो को अच्छे से एक एक करके सभी वीडियो को वॉच करें, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो सके। अगर आप नए हैं इस लाइन में, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर होने का मतलब होता है मैंने आप लोगों के लिए बड़ा डेमो वीडियो मैंने डाला हुआ है कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स आपको सिखाया जाता है, ए से लेकर जेड तक जो भी सारा जानकारी है वो सब कुछ मैंने वीडियो में डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, डेमो वीडियो किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 6391711711, 6391211211, इसमें किसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कॉलिंग करें, मैसेज करें या कॉल करें, आप किसी भी माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद वो डेमो वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। जब वो डेमो वीडियो देखेंगे, 2, 4, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन डेमो वीडियो देखो, देखने बाद अगर आपको मन करता है तो ही आप सीखने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। यहाँ पर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये सागर मार्केट में है, सागर मार्केट जो पड़ता है कानपुर स्टेशन के जस्ट पास में है। या आप आराम से पैदल का वॉकिंग डिस्टेंस है, आराम से पैदल आ सकते हैं और एक एक करके जो भी सारी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को आराम से सीख करके जा सकते हैं। पूरी मार्केट है, मोबाइल फ़ोन की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का ए से लेकर जेड तक जो भी सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाती है, ताकि सीख करके आप अच्छी तरीके से काम कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। एक एक करके समझें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कॉल करें, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। दूसरी बात क्या है, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो मिलती है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैसेज करें, अगर आपको कोई वीडियो मिलता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो भी उस बात के लिए मैसेज करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको अगर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को अगर सिखा रहे हैं, तो आप भी वीडियो को शेयर करके जाने अनजाने में हमारी मदद करिए, ताकि हमारे चैनल से बहुत सारे लोग जुड़ सकें और उनको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, सर्विसेज के बारे में सीखने को मिल सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।